के पिछले वीडियो में कैसे प्रिपरेशन था केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या था आपके सामने बताने वाला हूं। ब्रोमिनेशन क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन का आप देखिए आगे ब्रोमिनेशन क्या होता है। तो ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन इज स्लो प्रोसेस, ये स्लो प्रोसेस होता है। ऐसे इट कैन टेक प्लेस इन द सेम वे इसे क्लोरिनेशन के तरह मतलब रहता है जिसमें प्रोड्यूस। और तीसरा आप देखिए ऑर्डिनेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह का रिएक्शन होता है जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। इट विल रिड्यूस अल्काइल, आप देखिए आगे अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म अल्केन अगेन, मीन्स बार बार ये रिएक्ट करके मतलब बार बार अल्केन ही बना देगा। हाउएवर इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो आप देख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड जैसे HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट हाइड्रोजन आयोडाइड आयोडिक एसिड ये सब के प्रेजेंस में तब ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हायर है स्ट्रॉन्ग में हायर। अल्केन्स अल्केन्स रिएक्ट आयोडीन टू गिव आयोडो अल्केन्स, मीन्स जब आयोडीन के साथ अल्केन रिएक्ट करेगा तो आयोडो अल्केन मिलेगा। जैसे कि देख सकते हैं एग्जांपल C2H6 प्लस HIO3 C2 आप देख सकते हैं। आप रुक जाइए मेरे पास, तो देखा दोस्तों पीछे हवा चलने के कारण पेज पलट गया था इसलिए कंटिन्यू नहीं हो पाया। आप देखिए आगे मैं बताने वाला हूँ। देखिए C2H5I प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड इस तरह का एग्जांपल बन जाता है जो अगेन एंड अगेन बनता रहेगा, इसलिए क्लोर आयोडिनाइजेशन जो पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हैं दूसरा क्या होता है, पहला तो देखा था अल्काइल हैलाइड, अब देखिए दूसरा कंबसन ऑफ अल्केन, जब अल्केन को जलाया जाएगा तो क्या प्रोड्यूस होगा कैसे होगा आप देखिए मेरे साथ। जब अल्केन को जलाया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इस हवा के प्रेजेंस में, तो आप तब वो कंप्लीट कंबसन देगा, अल्केन जो है कंप्लीट कंबसन देगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा वाटर H2O गैस के रूप में एंड इवॉल्व हाई अमाउंट एनर्जी या हीट, उसके फलस्वरूप हमें कुछ एनर्जी या मतलब हीट देखने को मिलेगा। और जब कंबसन अल्केन का कई तरह से किया जाता है जिसमें पहले आप देख सकते हैं फार्मूला अल्केन का कैसे होता है, अल्केन CnH2n+2 जब 3n+1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो NCO2 से H2O+ हीट या एनर्जी इवॉल्व होगा आप देख सकते हैं। और आगे मैं दिखा रहा हूँ, देखिए नंबर n मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम। आप देख सकते हैं मीथेन को जब O2 के पर रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, CO2+2H2O और कुछ हीट मिलेगा आप देख सकते हैं। और फिर C2H6 को 7/2 O2 के प्रेजेंस में रिएक्ट करा के तो हमें C2CO2+3H2O+ सम हीट मिलेगा, हीट मिलेगा। जब इनकम्प्लीट कंबसन, जब अल्केन का जब पूरा कंप्लीट कंबसन होगा तो इन द लिमिटेड सप्लाई, जब लिमिटेड सप्लाई मीन्स एयर का जब कमी हो जाएगा तो वो प्रोड्यूस कर देगा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर आप देख सकते हैं। अब और आगे बताने वाला हूँ कि पायरोलाइसिस क्या होता है, मीन्स पायरोलाइसिस का मतलब ये होता है हीट ब्रेकिंग, और इसका एक नाम है क्रैकिंग ऑफ अल्केन, मीन्स जब टूटता है तो उसे क्रैकिंग ऑफ अल्केन कहते हैं। तो पायरोलाइसिस आल्सो कॉल्ड क्रैकिंग, मीन्स क्रैकिंग कहा जाता है एंड इट इज कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस वेयर कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन द बिगर मॉलिक्यूल ब्रेक एंड फॉर्म अ स्मॉलर मॉलिक्यूल सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप देख सकते हैं एग्जांपल में क्रैकिंग ऑफ डेकेन एट 500 डिग्री सेल्सियस है मिक्सचर। आप देख सकते हैं कि जब क्रैकिंग ऑफ मीन्स डेकेन को जब रिएक्ट कराया जाएगा तो कई तरह का मिक्सचर प्रोड्यूस होगा 500 डिग्री सेल्सियस में, तो आप देखिए मेरे साथ आगे। तो देखा दोस्तों ये C10H22 को 500 डिग्री सेल्सियस या फिर 700 केल्विन के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो हमें C8H18 प्लस C2H4 मीन्स ऑक्टेन और इथिन
कई तरह का मिक्सचर हमें प्रोड्यूस होगा, जैसे C7H16 मीन्स हेप्टेन और C3H6 मीन्स प्रोपीन, C5H12 मीन्स पेंटेन और C5H10 मीन्स पेंटीन, C4H10 मीन्स ब्यूटीन, C6H12 मीन्स हेक्सिन, इस तरह का प्रोड्यूस होगा। आप देखा था, और देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन जैसा कि हमारे टीचर ने पूछा था कि मार्स किस चीज़ से बना हुआ है, तो आप मार्स समझ सकते हैं। जब हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे तो आपको यह जानकारी होना चाहिए कि मार्स जो है मीथेन गैस का बना हुआ है। और देखिए इस तरह का वीडियो बने रहिए, मैं आपको अब न्यू टॉपिक मीन्स एल्केन को बारे में बताऊंगा पूरी तरह से। आप मेरे चैनल पर बने रहे और अपने दोस्तों को शेयर करें, मैं आपके लिए और वीडियो बनाता रहूंगा। ओके, थैंक यू।